Hello everyone, how are you all doing? Today we're going to start with the next chapter from your English language book, Grammar Glitterodesi, by the Brain Root series. The name of our chapter is Position and Comparison of Adverbs. आपको याद होगा हमने position and comparison of adjectives पढ़ा था, superlative degree, positive degree, comparative degree, याद है आपको? जब हमने adjectives को compare किया था, ऐसे अब हम एडवर्ब्स के केस में देखेंगे. सबसे पहले है पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स. डिफरेंट एडवर्ब्स आर प्लेस डिफरेंटली इन सेंटेंसेस. देर आर सर्टन रूल्स विच गवर्न द प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस. तो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एडवर्ब्स होते हैं, सबका अपना अपना एक रूल होता है टू बी प्लेस्ड इन सेंटेंस. सो फॉर एग्जाम्पल, शी इज सिंगिंग लाउडली, है ना? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शी इज सिंगिंग लाउडली में सिंगिंग हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके बाद जो भी वर्ड लगता है वो हमारा एडवर्ब है, तो वो पर्टिकुलर एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद लगेगा, ठीक है? आफ्टर द वर्ब इफ द वर्ब इज इंट्रांजिटिव. ही प्लेज द गिटार वेल. देख सकते हैं अब आप किस तरीके से ये फिर से इन लोगों ने क्या करा हुआ है, प्लेस के बाद, वर्ब के बाद ही आप पोजिशन करते हैं एडवर्ब को. सेकेंड है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड टाइम. अगर आप एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड टाइम की बात करेंगे तो दे आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब इफ द वर्ब इज इंट्रांजिटिव एंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव. अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो वर्ब के बाद लगाएंगे आप, ठीक है? नॉर्मली इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद लगाएंगे. अगर आपका वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है फिर आप ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे. दोनों एग्जाम्पल्स देखेंगे. कम हियर इंट्रांजिटिव है ये कम, ठीक है? श्वेता रोट अ स्टोरी, ठीक है? ये हमारा एक ट्रांजिटिव सेंटेंस है, तो स्टोरी हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है. आप देख सकते हैं स्टोरी के बाद हमारा एडवर्ब आया है. फर्स्ट वाले में क्या हुआ है, इंट्रांजिटिव के बाद हमारा एडवर्ब आया है हियर. तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि इंट्रांजिटिव होगा तो वर्ब के बाद और ट्रांजिटिव सेंटेंस होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिग्री को हम कैसे प्लेस करते हैं. Sometimes adverb of manner are normally placed between the subject and the verb if the verb consists of only one word. जैसे I always tell him to walk faster. हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि subject, तुम्हारे sentence का जो subject है और जो verb है उसके बीच में fit in करेंगे आप adverb of frequency या फिर degree या फिर कभी कभी manner भी. जैसे I always tell him to walk faster. तो I हमारा subject है, tell हमारा verb है, तो I और tell के बीच में आ गया always, which is adverb of frequency. Next is I quite like that red scarf. ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे I और like के बीच में आ गया quite. इसी तरीके से अगर हम fourth point देखें, अगर हमारा verb am, is, are, was, were है तो adverbs कब होंगे हमारे place? आफ्टर द वर्ब. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है जब हमारे पास ये वाले सारे वर्ब्स होंगे, एम, इज, आर, वॉज, वर, है ना, विल बी, तब क्या होगा, हमारा जो एडवर्ब है वो आफ्टर द वर्ब प्लेस होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. दे आर ऑलवेज पंचुअल, द पोरिज इज जस्ट राइट. तो इस तरीके से आपको प्लेस करना है. नेक्स्ट इज व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव ऑन अनदर वर्ब is usually placed before the adjective or the adverb. He painted the wall quite effortlessly. Tom and Jerry is a rather funny cartoon. तो आप देख सकते हैं जब क्या होगा, हमारा जो एडजेक्टिव है या फिर हमारा जो दूसरा कोई वर्ब है सेंटेंस के अंदर उसको हमारा एक एडवर्ब मॉडिफाई करेगा, तो आप इस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करेंगे. You have to read these rules again and again, तभी आपको ये rules याद रहेंगे, otherwise you will forget them. तो keep reading the rules again and again. The adverb enough is always placed after the verb it modifies. ठीक है, तो वो word जो हमारा modify हो रहा है, जो adverb verb को modify कर रहा है उसकी बात करेंगे. जैसे जो adverb है enough is always placed after the verb it modifies. जैसे Is the juice sweet enough? Right? तो हमें sweet को modify करना है, क्या ये juice इतना मीठा है, तो हमें sweet word को modify करना है, इसलिए हम enough use कर रहे हैं. बात समझ आती है. Next is the adverb only should be placed immediately before the word it modifies. तो adverb को आपको हमेशा, the fifth one is ask her about her family.
राइट तो अब आपको नेवर इंसर्ट करना है इसके अंदर, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं नेवर आस्क हर. द सिक्स्थ वन, यू नीड सम प्रैक्टिस, यू जस्ट नीड सम प्रैक्टिस. सेवन्थ, आई फील बैड, आई फील ऑफुली बैड. एट्थ, हर ट्रेन इज लेट, हर ट्रेन इज परहैप्स लेट. ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, आगे देखेंगे. रीराइट दी सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ब्स एंड एडवर्ब्स. ठीक है, अब आपको सही एडवर्ब्स और वर्ब्स यूज करने हैं, रीराइट भी करना है इन सेंटेंसेज को, दैट यू विल डू योर सेल्फ एंड वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस हियर. वी हार्डली नाउ डेज गो फॉर वॉक्स, राइट, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, वी नाउ डेज, आई अटेंटिवली लिसन टू हिज एंगेजिंग स्पीच. सो दिस इज द क्वेश्चन, वॉट विल बी द आंसर, आई लिसन टू हिज एंगेजिंग स्पीच अटेंटिवली. थर्ड, अमित सीरियसली वॉज इंजर्ड वाइल डूइंग अ सोमनस्लॉन्ट. ओके, तो कैन यू टेल दिस वन, यस, सो अमित वॉज इन. द फोर्थ वन, इट वेल वॉज अ जॉब डन, इट वॉज अ वेल जॉब डन. ठीक है, इस तरीके से आप द लास्ट फोर आई वॉन्ट यू टू ट्राई योर सेल्फ एज योर होमवर्क, सो डू इट प्लीज. ओके, नाउ वी गोइंग टू मूव अहेड विद द कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब्स. अब कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब्स में भी हमारे पास तीन ही डिग्रीज आती हैं. सबसे पहले क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री, फिर आती है कंपेरेटिव डिग्री, एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री. ओके, पॉजिटिव डिग्री क्या है, जो बेसिक फॉर्म है एडवर्ब की. कंपेरेटिव क्या है, जब हम किसी दो चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं. सुपरलेटिव की सबसे ज़्यादा बेस्ट. ठीक है, अब देखेंगे इसके की रूल्स. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉर्मल, हार्ड, फास्ट ऐसे वर्ड्स हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम हार्डर ई और हमने ऐड कर दिया कंपेरेटिव के लिए, और ई एस टी ऐड कर दिया सुपरलेटिव के लिए. आई एम श्योर आपको ऑब्जेक्टिव्स के भी याद होंगे, दिस इज़ नथिंग न्यू फॉर यू, सो वी विल जस्ट गिव अ गुड रीडिंग टू इट. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट. आपको ध्यान रखना है, आपको इनकी स्पेलिंग्स पे ज़्यादा यू नो कॉन्सेंट्रेट करना है, बिकॉज द स्पेलिंग्स इज द मेन थिंग व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस. नेक्स्ट इज, हम क्या करेंगे, जो भी हमारे एडवर्ब्स होते हैं जो एल वाई से एंड होते हैं, उनके साथ हम मोर और मोस्ट ऐड कर देते हैं. याद रखना है आपको, जो भी एडवर्ब्स एल वाई से एंड हो रहे हैं उनके साथ हम क्या करेंगे, मोर और मोस्ट ऐड कर देंगे, मोर कंपेरेटिव में और मोस्ट सुपरलेटिव में. जैसे स्विफ्टली है, तो आप स्विफ्टलियर नहीं बोलेंगे, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. आप क्या बोलेंगे, स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली. ब्रेवली, मोर ब्रेवली एंड मोस्ट ब्रेवली. वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली. सो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि जब एल वाई होते हैं तो हम किस तरीके से रूल्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज, सम एडवर्ब्स फ्रॉम द डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन इन एन इरेग्युलर वे. कुछ ऐसे होते हैं जो आपको याद ही करने हैं, उनका कोई भी एज सच रूल नहीं है. जैसे फार, फर्दर, फर्देस्ट, या फिर फार, फार्दर, फार्देस्ट भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट, लेट, लेटर, लास्ट. मच, मोर, मोस्ट. वेल, बेटर, बेस्ट. लिटिल, लेट, एम ओ आर ई, मोर. और यहाँ पे मोस्ट ऐड हो जाएगा, एंड बाकी केयरफुली सेम रहेगा. क्यों, क्योंकि ये एल वाई से एंड हो रहा है. नेक्स्ट, फार, फादर, फादेस्ट. लिटिल, लेस, लीस्ट. क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट. हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट. नाउ द लास्ट फोर, डू ट्राई योर सेल्फ एज योर होमवर्क. दे आर वेरी इजी, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फॉलो द रूल्स. ठीक है, आगे देखेंगे अब डी एक्सरसाइज. Fill in the blanks with positive, comparative or superlative degree of adverbs given in the bracket. चलिए अब देखेंगे. Tom ate dash lunch time. Tom ate quickly at lunch time. तो यहाँ पे quickly ही आएगा. I read dash than my little sister. I learn better. क्योंकि हम compare कर रहे हैं, तो good, better, best होता है ना. ठीक है, और वेल है यहाँ पे. ठीक है, आगे देखेंगे. द यंग साइकिलिस्ट रोड स्विफ्टलियर दैन हिज ब्रदर. एम आई राइट, स्विफ्टलियर आएगा. यस, एब्सोल्युटली, यू गॉट मी राइट. स्विफ्टलियर कुछ नहीं होता है, मोर स्विफ्टली. तो मोर स्विफ्टली. क्यों, क्योंकि ये एल वाई से एंड हो रहा है, तो हम इसके अंदर आई ई आर, आई ई एस वगैरह नहीं लगा सकते. Go dash down the road till you reach a petrol pump. Go
far down the road till you reach the petrol pump. F-A-R, far. Got it? Now, we have the last four, 5th, 6th, 7th and 8th. Kindly do them yourself. Try them yourself and I'm sure you will be able to do it. Okay? Right. In this topic, we are going to study letter writing. Right? So, you have written previous classes mein bhi letters likhe honge. But as you are growing into more, you know, bigger classes, aapko letters ka format bhi thoda bigger level ka milega aur aapko likhna bhi thoda zyada padega, right? So, a letter is a means of communicating with someone. It can be handwritten or printed on paper. So, letter kya hota hai? Ki hum jab kisi ke saath communicate karte hain paper pe, right? So, when we are writing to someone on paper or it's printed, वो हमारा letter होता है. तो एक ये एक communicate करने का जरिया है, letter लिखना. ठीक है, अब हमारे पास दो type के letters होते हैं, formal letters और informal letters. सबसे पहले formal letters के बारे में पढ़ेंगे. They include all kinds of business letters, complaints, applications and letters to newspaper or other organizations. तो formal letters क्या हैं? जो सारे लेटर्स हम किस किस को देते हैं, कोई बिजनेस पर्पस के लिए देते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन देनी है या स्कूल में व्हेन यू राइट, तो इट्स अ फॉर्मल लेटर, राइट? जब आप किसी हायर अथॉरिटी के इंसान को लिखते हैं तो वो हमारा फॉर्मल लेटर के कैटेगरी में आता है. लेट्स रीड द सैम्पल. राइट अ लेटर टू द प्रेजिडेंट ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर लाइटिंग ऑन द रोड्स. तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम टू लिखते हैं, द प्रेजिडेंट, फिर डेट डालेंगे और फिर अपना सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट में क्या आता है? सब्जेक्ट में आता है कि प्रॉब्लम आपको, जिस बारे में आपको लेटर लिखना है, जो आपको मेन प्रॉब्लम कन्वे करनी है अपने लेटर में, वो आप सब्जेक्ट में लिखते हैं. फिर आप लिखेंगे डियर सर या फिर रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं. और फॉर्मल मेथड में लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे? आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द पुअर लाइटिंग ऑन रोड्स इन आर लोकैलिटी. मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स इन आर लोकैलिटी आर आउट ऑफ ऑर्डर. Only a few street lights are functioning. It is dark in the locality. It has caused a spurt in incidents of crime in the area. तो आपने सारी problems बताई हैं इसके अंदर की lighting की वजह से, poor lighting की वजह से क्या क्या problems हो रही हैं, वो सब आपने बताया है. There are frequent incidents of chain snatching in the evening hours. आपने ये भी लिखा कि कोई incident हुआ है आपकी colony में, आपने वो भी लिखा है. ठीक है, particularly ladies are unsafe in coming out of their houses in the dark. Snatching, burglary and theft have become the order of the day. The thieves are committing crimes that take advantage. तो अब लास्ट में यह अब आपकी बॉडी हो गई जिसके अंदर आपने सब कुछ एक्सप्लेन करा. लास्ट में आप क्या लिखेंगे? आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक नेसेसरी एक्शन टू मेंड द वे सो दैट पीपल ऑफ द एरिया हैव गुड स्ट्रीट लाइट्स. कि आप प्लीज़ हमारी ये बात को समझिए और प्लीज़ हमारे जो ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए. Right, so this is how you have to write, thanking you, yours truly and your name, right? You have to write your name in the end. Right, next is the application from your principal to arrange a trip. ठीक है, तो वैसी तरीके से हमने लिखा to the principal, school का नाम, then अपना city, date लिखी, subject लिखा, फिर sir, with due respect, I on the behalf, behalf मतलब मैं लिख रहा हूँ पूरी class के behalf पे, उनको उनका भी इसके अंदर रोल है. इवन दे आर रिक्वेस्टिंग यू फॉर दिस, वी आर रिक्वेस्ट. अगर हमें उनसे इनफॉर्मल वे में बात करनी है, कुछ भी रैंडम बातें करनी है, नथिंग विच इज़ यू नो अ वेरी रीजनेबल, वो हम इनफॉर्मल लेटर में करते हैं. बट फॉर्मल लेटर आपको ध्यान रखना है, एक प्रॉपर टॉपिक पे होना चाहिए, एक रीजनेबल बात पे होना चाहिए. रीड दिस सैम्पल. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द स्टेट क्विज कॉम्पिटिशन. तो आपको अपनी फ्रेंड को लिखना है ये लेटर that she has won the state quiz competition, उसके लिए आपको congratulations बोलना है उसको. तो आपने अपना address लिखा सबसे पहले, sender's address, फिर date, फिर dear अपने friend का नाम, इसे हम क्या बोलते हैं, salutation. फिर आपको body लिखनी है कि मैं बहुत खुश हुई कि आपका newspaper पे नाम आया, कि आप state level quiz competition में जीते हो. congratulate करो उनको और उनको बताओ that how proud of you, you know that we are proud of you, keep growing hard like that. Right, and then do convey my regards to your parents also. So, this is the next example for your informal letter. Write a letter to your uncle thanking him for the birthday present he has sent for you. So, you have to write your uncle.
थैंक करना है उनको कि आपने जो बर्थडे प्रेजेंट भेजा है आपको वो कैसा लगा, एंड यू हैव टू थैंक हिम, यू हैव टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड. तो आप ये भी लिख पाएंगे आई एम श्योर. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सम मोर एग्जाम्पल्स, दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस. अब आपको फॉर्मेट्स दोनों के पता चल चुके हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल. काइंडली डू दीज लेटर्स, राइट देम योर सेल्फ एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द लेटर राइटिंग इवन मोर प्रॉपरली. ओके, सो That's it for this video, everyone. I hope you were able to understand. Thank you so much for watching. I will meet you in the next now. Till then, goodbye and take care.